दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आप लोग कैसे हैं प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं क्या बताऊं दोस्तों, मैं भी विष्णु भाई के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं जल्दी, और आज बना रहा हूं। इसलिए बना रहा हूं कि युवराज बाबू के लिए विष्णु भाई इतना ज़्यादा परेशान है, इतना रो रहा है। और कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि अमरनाथ साइड हट गया, अमरनाथ विष्णु से मतलब नहीं रखता, फलाना ढिकाना अमरनाथ का विष्णु का बनाया हुआ अमरनाथ है। हाँ तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि मेरा विष्णु भाई मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और बहुत सपोर्ट मेरे भाभी का था, मालती भाभी का, तब मैं यहाँ पर आया हूँ और पब्लिक का प्यार मिला है तब यहाँ पर आया हूँ। और दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ और बता रहा हूँ, मैं भी अपना इतना समय बर्बाद किया हूँ, इतना मेहनत किया हूँ कि मैं जानता हूँ 24-24 घंटा खाना नहीं खाता था। और दोस्तों वो सब छोड़िए, मैं आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि विष्णु भाई जो हमारा है इस समय युवराज बाबू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत रो रहा है। जो कि आज महादेव भाई मिलने के लिए गया था तो ही बता रहा था, वीडियो देखा हूँ, जो कि विष्णु भाई का तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और मिलने के लिए बोल रहा था युवराज बाबू से। अब दोस्तों एक बाप जो है अपने बेटे के लिए इतना ज़्यादा परेशान है, इतना रो रहा है, क्या आप लोगों से मैं बताऊं। और दोस्तों बोलते हैं ना, ये ज़िंदगी कब किसको कहाँ ले जाके पहुँचा देगी कोई नहीं जानता है। एक समय था, कहाँ था और कहाँ आ गया है। अभी एक शॉर्ट वीडियो जो विष्णु भाई का वायरल हुआ है, जेल में का वीडियो था, जेल शायद पेशी जहाँ होने जा रही थी वहाँ का वीडियो था। हम भी गए थे मिलने के लिए, तो लमसम 1-1 बजे थे, वहाँ पर खड़े थे, मिल नहीं पाए क्योंकि 4 बजे विष्णु भाई वहाँ से निकला था साइन करने के लिए, तो हम मिल नहीं पाए, हम चले आए थे घर। दोस्तों जब वीडियो देखें तो आप लोगों से क्या बताऊँ, विष्णु भाई का जब शरीर और उसका हालत, उसका शक्ल देखे तो बोले कि बताओ एक समय था भाई कैसा था और एक समय है कि कैसा अब हो गया है। तो ही बोलते हैं दोस्तों, आप लोग भी सुन लीजिए और मैं भी समझ रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग भी कभी किसी के ऊपर गुमान मत करिए और कभी अपने आप को बहुत वो मत समझिए। ज़िंदगी है, कब किसको कहाँ पटक देगी कोई नहीं जानता है। बस जब तक ज़िंदगी है आराम से जिए और जीने दीजिए, बस इतना ही कहेंगे। और दोस्तों फ़िलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ मालती भाभी के जो पापा जी हैं, तो पापा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बाबू को एक दिन के लिए प्लीज़ आप दे दीजिए, ताकि हम लोग ले के जाएँ और बाबू को एक बार विष्णु से मिलवा के ले के चले आएँ। आप साथ में चाहे निरहू को, चाहे सनी भाई को, किसी को भेज सकते हैं। तो पापा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि बाबू को दे दीजिए, हम लोग ले जा के मिलवा लाएँ। बर्थडे में बाबू को बहुत बुलाएं दोस्तों, बाबू नहीं आ पाया, तो अब की बार प्लीज़ विष्णु भाई से मिलवाने के लिए ले के जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बेटे को उसके बाप से मिलने दीजिएगा, उसका विष्णु भाई का उम्मीद है कि उससे मिले, वो कह रहा है, बहुत रो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करिए ताकि वो मिलने दें बाबू से। और कितने लोग सहमत हैं कि बाबू को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा विष्णु भाई के ऊपर, फिलहाल दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ।